कहाँ गया था तू? वो मैं कराची गया। तुझे पता है ना कितने परेशान थे हम लोग तेरे लिए? हैं? वो जवाब दे। मेरी बर्बादी का तमाशा देखने आई? ये अपनी मजबूरियों के झूठे सच्चे किस्से सुनाने आई हो? बाहर इस तरह बात मत करो प्लीज। मैं तो तुमसे बात ही नहीं करना चाहता, बल्कि बात करना तो दूर की बात है, तो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता। अब क्या जरूरत पड़ गई अम्मा को पैसों की? अरे वो मांग नहीं रही, उसके पैसे चोरी हो गए। तो कुछ पता चला किसने चुराए पैसे? अम्मा को लगता है कि आयशा ने किए चोरी। देखने में तो ऐसी नहीं लगती, लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ आप इस मामले में बिल्कुल ना पड़े, और वैसे भी इतनी दूर से मसले नहीं सुलझाए जाते। अरे बात तो करनी पड़ेगी ना सुको, तू जानती तो है किसके थे वो पैसे। हाँ। आप लोगों के मसले भी नहीं। सलामकुम भाईजान, क्या हाल है? सब खैर है? इस टाइम फोन किया आपने? जुल्फी ठीक ठाक। अबे ये बता भाई, मम्मा का फोन आया था, वो पैसों वैसों का क्या चक्कर है? यार भाईजान, अम्मा को कमेटी मिली थी, वो पैसे गुम हो गए अम्मा से। बीवी से पूछा तूने? आपको लगता है कि वो चुरा सकती है पैसे? पर लगने का क्या है, अम्मा भी तो इतनी बड़ी रकम कहीं रख के नहीं भूल सकती ना। मुझे नहीं पता भाईजान क्या है, पूरा घर तो छान मारा है अम्मा ने। आयशा क्या कहती है? अरे भाईजान उसने चुराए भी होते तो क्या वो मानेगी? अम्मा को खुद ख्याल रखना चाहिए था ना। पर नहीं मानती तो मना उसे, शौहर है तू उसका। मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो चुका है। क्यों, अभी तक वैसी है? वो वैसी रहेगी भाईजान, सुधरने वालों में से नहीं है वो। मैं भी ज्यादा दिन नहीं देखूंगा, फारिग कर दूंगा मैं उसे। अबे ओ जुल्फी, हाथ हौला रख, क्या बकवास कर रही है? अरे वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है, क्या करूं मैं? अबे समझने की उससे ज्यादा तुझे जरूरत है, औरत को कोई आज तक बांध के नहीं रख सका। औरत बुरे से बुरे मर्द के साथ गुजारा कर लेती है अपने बच्चों की खातिर, एक आध बच्चा हो जाएगा ना तो ठीक हो जाएगी। अरे बच्चा कैसे होगा भाईजान? वो उसके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है भाई। है ये क्या कह रहा है तू, ये कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है ना यार, झूठ क्यों बोलूंगा मैं, वो नहीं चाहती है। इसमें भी तेरी गलती है, रख रहा हूं। मसला हुआ है, रात में बिजली नहीं आई। अच्छा दादी, छत पर दादी का बिस्तर कर दें। और सुन, तैमूर को भी साथ ले जा। शहजादी तुम जाओ, मैं तैमूर को लेकर आती हूँ, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अच्छा तुम तैमूर को भी ले जाओ, मैं आती हूँ। जाओ। बोलो क्या बात है? दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? चनाज़
शहनाज। शहनाज शहनाज तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? जी वो अजीब सी बेचैनी हो रही थी, दम घुट रहा था नीचे। तो बदरूहों की तरह यहाँ गश्त करके क्या सुकून मिल जाएगा? और नीचे आओ। सुकून तो शायद अब ना मिले, लेकिन हो सकता रात कट जाए। वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, नीचे आओ, चाय बना के दो मुझे। कुछ पैसे होंगे वो चाहिए मुझे। मैं तो दरख्तों से उतारती हूँ ना पैसे, मेरे पास कहाँ से आए? तेरी बीवी के पास लाख रुपए था, उसे ले ले जाके। घुमा फिरा के बात उसी जगह ले आती हो तुम। मुझे जरूरत है पैसों की, मुझे चाहिए, अपने लिए मांग रहा हूँ मैं। ये जरूरतें पूरी करने के लिए कमाना भी पड़ता है, और तुझे तो नौकरी मिलनी है। कोशिशें कर तो रहा हूं मैं, देख भी रही हो तुम। मुझे थोड़े से पैसे दे देना, थोड़े से पैसे बस। कहाँ से लाऊं मैं, ढेला नहीं है मेरे पास, यहाँ खाने को पैसे हैं नहीं, धुएं में उड़ाने के कहाँ से आएंगे? शहजादी, अरे क्या पढ़ के फूक रही है दादी के नाश्ते के ऊपर? अरे ले भी आ, अब तो पेट में चूहे सर्कस कर रहे हैं। बैठ, नाश्ता कर ले। भाड़ में जाइए नाश्ता। ये क्या है? ये पराठा बनाया तुमने? ये पराठा है क्या? कुछ तो सीखिए, अगले घर जाएगी तो मरी भी माँ को जूतियां पड़वाएगी। दादू दूसरा बना दूं? हाँ दूसरा बना दूं, इसको क्या कूड़े में फेंक देगी? जागीरदार की बेटी है तू। और जा बेगम साहब को भी उठा, सुबह हो गई है, अभी सो रही है अभी तक। जी बड़े पापा।
जी। मैं जा रहा हूँ जरा काम से, ठीक है? पीछे दुकान संभाल लेना। जी वेलकम। थोड़ी देर बाद जाके घर चक्कर लगाना, बड़ी अम्मी को सब्जी वब्जी ला के दे देना, मैं देर से आऊंगा, ठीक है? जी। चल बैठ जा इधर, संभल के रहियो। हाँ लगी। आपने बड़े पापा को बोला था, फिर भी उन्होंने मुझे मारा। अरे मैं तो सिर्फ बोल ही सकता हूँ ना जान, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया था कि वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। वैसे एक बात है जानू, तुमने जो हरकत की है ना, गुस्सा तो बनता है। आप बैठ जाए केबिन में, मुझे सफाई करनी है अभी यहाँ पर। अरे कर लेना सफाई, मेरे पास बैठो ना। नहीं, अब तो हम दोस्त बन गए हैं ना। नहीं जी। क्यों, अब हम दोस्त नहीं बन सकते क्या? मेरी मम्मा मना करती है अपने से बड़े उम्र के दोस्त बनाने से। कैबिनेट में आ रहा हूँ। पता नहीं कल रात को क्या हो गया था, अजीब सा दिल घबराने लगा था मेरा। सोचा तुम्हें देखा। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ ठीक ही हूँ बेटा, बस तुम्हारी तरफ से परेशानी लगी रहती है। अपना भी कुछ ख्याल रखती हो कि तुम? नहीं जी। क्या कहीं जा रही हो तुम? जी ऑफिस जा रही हूँ इंटरव्यू देने के लिए, आप दुआ करना कि मुझे जॉब मिल जाए। अब आगे क्या सोचा तुमने? मेरा मतलब है, देखो ऐसा बेटा, मैं चाहती हूँ इस घर से निकल आओ तुम। ये घर वाले तुम्हारे काबिल नहीं है। फिर मेरी दोनों बेटियों की भी क्या किस्मत निकली, बड़ी वाली कमा कमा कर खिलाती रही लोगों को, और अब तुम करोगी। देखो मैं चाहती हूँ तुम बस ये मत करो। कैसी अजीब बातें करने लगी है। बस ये समझो बेटा, अकल आ गई है तुम्हारी माँ को। मैं तो कहती हूँ तलाक ले लो सुल्फी से। इससे क्या होगा, मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है, वरना बच्चे छिन जाएंगे मुझसे। एक कोशिश की थी ना, क्या हुआ उसका? अब तो आहत भी मेरे साथ नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, बच्चे कहाँ जाएंगे, सब इसी तरह होंगे। बस आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतनी हिम्मत और ताकत दे कि तो मैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सकूं। माफ कर देना बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ना कर सकी। माँ बच्चों का जन्म दे सकती है, कर्म नहीं दे सकती। मैं आपको चाय बना कर देती हूँ, आपकी चाय का वक्त हो गया, फिर मुझे इंटरव्यू के लिए निकालना।
अरे नहीं रे, चाय वाय नहीं मुझे पीनी, इधर बस मेरे पास बैठो तुम। होता है बेटा, होता है, इंसान को वक्ती तौर पे बहुत गुस्सा आता है, मुझे भी बहुत आया था, मगर फिर मैंने अपने आप को समझाया। तुम भी समझाओ अपने आप को बेटा, माफ़ करने में ही आफियत है। आप मेरी अम्मी हैं? हाँ बेटा। तो कैसी माँ है? उसने आपके बेटे को इतना बड़ा धोखा दिया और आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हैं? नहीं बेटा, उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया, वो तो बेचारी। बस करने अम्मी, हद होती है। और मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी, और मैं उसको अपनी जिंदगी से निकाल चुका हूँ, और उसने तो अपने सारे रिश्ते बचा लिए, अपनी बहन के बच्चों को मुझसे ज्यादा अहमियत दी, और मुझे क्या मिला उसका साथ देकर? मैंने तो अपना बाप तक खो दिया। और आप भी प्लीज इतनी अच्छी ना बने। लेकिन तुम्हारा बाप उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से गया है। अगर मैं हिसाब किताब पे आ जाऊं ना, तो तुम एक मिनट भी इस घर में ना रुको, और वैसे भी तुम इस घर को छोड़कर जा चुके हो। अगर तुम आयशा को ले भी जाते ना उस दिन, तो भी तुम्हारे बाप को उसी दिन और उसी तरह मरना था। तुम्हें तो शुक्र गुजार होना चाहिए आयशा का, जिसकी वजह से तुम अपने बाप को कब्र में उतार सके हो, उसे आखिरी आरामगाह तक ले जा सके। तुम शुक्र गुजार नहीं हो। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला, एक रुपया नहीं लिया, उल्टा जहांगीर साहब ने पैसे दिए मुझे, वो मैंने बेगम साहब को दे दिए। ऐसे कैसे हो सकता है, वो क्यों देगा भला पैसे? ये तो मुझे नहीं पता, वैसे मुझे लगता है वो और बहू बेगम एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बातों से तो मुझे यही लग रहा था। अच्छा तो ये बात है। वैसे बुरा मत मानना बहन, बहुत तेज लड़की है तुम्हारी बहू, और जहांगीर साहब तो अपनी माँ की नहीं सुनते, लेकिन आयशा के सामने तो एक लफ्ज नहीं बोले और उल्टा पैसे भी दे दिए। क्या करूँ बहन, मेरी तो किस्मत ही खराब है, इस लड़की ने मेरे बेटे को फंसा लिया कि वो कहीं कहने सुनने में नहीं रहा। ऐसी बीवी की तरफदारी करता है कि कोई माँ बर्दाश्त ना करे। अब देखो मेरे पैसे चोरी हुए, मगर मैं पूछ नहीं सकती। हाय हाय, तो अभी तक नहीं मिले? अरे कहाँ से मिलेंगे, वो मानेगी तब ना। मेरा तो यही सोच सोच के दिमाग माउफ हो गया है, दर्द से पटा जा रहा है। अरे तो इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम कहो तो मैं पता करके बताऊँ कि पैसे किसने चुराए। तुम कैसे बताओगी? अरे मैं थोड़ी बताऊंगी, बाबा जी बताएंगे, बड़ी करामत वाले हैं। नफीसा के घर चोरी हुई थी, बाबा जी ने बताया था। अम्मा बतूल का नवासा गुम हो गया था, बाबा जी ने अपने अंगूठे पे देख के शक्ल की पहचान करवाई। आजकल के जमाने में होते हैं ऐसे लोग? ए लो, तुम भी बच्चों वाली बात कर रही हो, ना सिर्फ शक्ल से ही, ऐसा अमल बताएंगे कि चोर खुद चल कर आएगा और माफी भी मांगेगा, और तो और पैसे भी लौटाएगा। जब तक पैसे नहीं देगा सुकून नहीं मिलेगा उसे, ऐसा बिस्तर पे बीमार पड़ेगा ना कि खुद ही देने आएगा पैसे, आजमा के देख लो। छोटा सा छोकरा मुझे कह के गया कि कराची चला जाएगा, अपने बाप को बताएगा कि पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ हम उस पे तोड़ते हैं। हाँ तो फ्री में थोड़ी काम करा रहा हूँ उससे, एहसान मारे मेरा एहसान कि जानू को काम पे रख लिया, वरना भूखे मरते सारे भूखे। Thank you.
बड़ी अम्मी ने भेजा था कि बाजार से थोड़ा सा सामान ले आऊं। अच्छा, ये स्कूल है मेरा और ये मेरा दोस्त। हेलो। ये मेरा कजन है, जब एडमिशन खुलेंगे ना तो ये भी आएगा। अरे बड़ा मजा आएगा। अच्छा यार बस मैं चलता हूँ वरना बड़ी अम्मी नाराज हो जाएंगी। जानू ये ले, तेरा दिल चाह रहा था ना। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते हो। नहीं पापा, वो मैं। अम्मा कहाँ हैं? दादू अब नजमा खाला के साथ कहीं गए हैं। टीवी कहाँ लेकर जा रहे हो? बेचने जा रहा हूँ। बेचने जा रहे हो? कहाँ बेचने जा रहे हो? बच्चे देखते हैं, वापस रखो इसे। मुझे पैसों की जरूरत है, फटो सामने से। पैसों की जरूरत है तो क्या तुम घर की चीजें बेच दोगे? मेरा घर है, मेरी चीजें मैं बेचूं या तोड़ूं, तुम कौन होती हो बोलने वाली? मेरी बहन के पैसों से आई है टीवी, मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगी, वापस रखो। दिमाग मत घुमा, हट जाओ से, हटो, हट जाओ से। जुल्फी, जुल्फी, क्या है? इतने दिनों की बासी सब्जियां पकड़ा दी उसने तुम्हारे हाथ में। अंधा था क्या, देख के नहीं लाया? उसके पास ऐसी ही थी। तो इतनी महंगी क्यों लेके आया? पैसे कम नहीं कराए तूने? मैंने बोला भी था लेकिन उसने नहीं की। हाँ वो कैसे कम करेगा, तुम्हारे मुंह को हराम जो लग गया है तुमने उसे कहा ही नहीं होगा। पैसे कम कराते हुए बेइज्जती होती होगी है ना। मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं, जाए यहाँ से। मैं सनी के स्कूल गया था। क्यों? सनी के स्कूल क्यों गया था? नहीं नहीं मतलब गया नहीं था, रास्ते में से जब गुजरा था तो वहाँ पे ब्रेक टाइम हुई थी। बकवास भी कर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, फूट मुँह से। वहाँ के दाखले खुल गए। अच्छा तो तुझे लगता है हम तेरा दाखला कराएंगे? शक्ल गुम कर, शक्ल गुम कर यहाँ से। बड़े पापा ने मुझे बोला था। तेरे बड़े पापा झूठ बोलते हैं तुझसे, अगर तेरा दाखला करा दिया तो दुकान पे तेरा बाप बैठेगा। नहीं बैठूंगा ना, मैं स्कूल से आकर बैठूंगा। ये मेरी बात सुन, तुझे पता है ना कितना खर्चा होता है स्कूल पे, तेरा खर्चा कोई नहीं भरने वाला। और एक बात याद रख, अपने बेटे की बराबरी तो तुझे मैं सारी जिंदगी नहीं करनी। किसी खुशफहमी में मत रहना। मैं अपने पापा को बोलूंगा कि आप लोग ने हमसे झूठ बोला है और मासी से भी शिकायत लगाऊंगा। लगा मासी को शिकायत? बता पापा को मैं किसी से नहीं डरने वाली, डरती तो मैं अपने बाप से भी नहीं। चल निकल, उठ यहां से निकल। अब तो इसका यहां रहना नामुमकिन हो गया। आज ही बात करती हूं इसके बड़े पापा से, फाइनल फैसला करें। बेटा मैं दोबारा टीवी ले आऊंगी, मेरी जॉब लगने वाली है तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, आप जो कहोगी मैं आपको दिलाऊंगी। लेकिन वो पैसे तो पापा आपसे ले लिया करेंगे, मामा से भी छीन लेते थे। अब ऐसा नहीं होगा, तुम ज्यादा मत सोचा करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कल आपके स्कूल जाऊंगी, आपकी टीचर से बात करूंगी, आप दोबारा स्कूल जाया करोगे। थैंक यू मासी, मेरा बहुत दिल करता है स्कूल जाने का। मुझे पता है मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है। अच्छा तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगी? मैं पढ़ लिख के पुलिस मैन बनूंगी। अरे ये कैसे हो सकता है, तुम तो लड़की हो, पुलिस वुमन बनोगी? हाँ मैं पुलिस वुमन बनूंगी और पापा और दादू को जेल में डाल के बहुत मारूंगी। Oh,
मैं जानू, रो क्यों रहा है, क्या हुआ? मैं नहीं रोता। रो तो तू रहा है, बताओ किसने कुछ बोला है तुम्हें? किसी ने कुछ नहीं बोला है, आपके 120 रुपए बनते हैं। अबे झूठ क्यों बोल रहा है? और अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, बताओ किसने रुलाया तुम्हें? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, आप बड़े ही झूठ बोलते हैं। बड़े? बड़े कौन कौन? आप, बड़े पापा, बड़ी अम्मी, सब तो झूठे हैं। अरे मेरी जान, मैंने कौन सा झूठ बोला है? आपने कहा था कि बड़े पापा नहीं मारते, अगर मुझे पता होता तो मैं वापस घर चला जाता। और बड़े पापा ने मुझसे बोला था कि वो मुझे स्कूल भेजेंगे, दाखले खुल गए, नहीं भेज रहे। अरे इतनी सी बात, इतनी सी बात से कौन रोता है भाई? चलो अगर तुम कहो तो मैं तफेल भाई से बात करूँ। नहीं, मैं अपने पापा से शिकायत करूँगा और वापस कराची चला जाऊँगा। पापा ने आयजा मासी से शादी की है, अब वो मेरी मम्मा है और अब वो मुझे स्कूल भेजेंगे। अच्छा सुन, मैं तुम्हें कराची ले जाऊँ। फोन किया? मैंने पूछने के लिए फोन किया कि अब तक आपने जानू को वापस नहीं भेजा। मुझसे क्या पूछती हो? उनसे पूछो ना जिन्हें जानू को यहाँ रखने का शौक है। मेरी बला से कल का जाता है आज जाए और आज का जाता है अब। आपके घर में है वो, इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मैं कब तक उम्मीद रखूँ कि आप उसे भेज देंगी? आज शाम को तो फैल साहब आएंगे ना, तो मैं उनसे पूछ के आपको बता दूँ। ठीक है? ठीक है, मैं शाम में फोन करूंगी आपको। कोशिश कीजिएगा जितनी जल्दी मुमकिन हो उसे। अरे क्या सोच रहा है, तेरे बड़े पापा कभी भी तुम्हें कराची वापस नहीं भेजेंगे। वो अपने मुलाजम की तनख्वाह बचाने के लिए ना तुम्हें यहीं रखेंगे। देखो तू परेशान नहीं हो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना कराची, तुम सोच लो। और हाँ, ये बात किसी को बताना नहीं, बड़े पापा और बड़ी अम्मी को तो बिल्कुल भी नहीं बताना। बड़े पापा नहीं मानेंगे। अरे उनको बताएगा कौन? पर चुपके से तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें कराची छोड़ूंगा। परसों परसों मैं जा रहा हूँ, कल तक तुम सोच के मुझे बता देना कि तुमने जाना है या नहीं। ठीक है, बाकी तेरी मर्जी। ये ले पैसे, मैं चलता हूँ। फिर अपने वापसी पैसे तो ले जाए। अरे बाकी तुम रख लेना, और हाँ तफेल भाई के गले में मत डाल देना, ये तुम्हारे लिए है। When does he have lunch? शहजादी, अरे पानी लेकर आए गिलास मेरे लिए। इतनी गर्मी हो रही है, दिमाग खराब हो गए। कंप्लीट करो। हाँ शहजादी, तुम काम करो, मैं पानी देती हूँ। शहजादी किधर? पढ़ रही है वो। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमने शहजादी को नहीं पढ़ाना, शहजादी की शादी करनी है, उसकी बात पक्की करके आ रही हूँ मैं। कल मैं स्कूल जा रही हूँ, उसके एडमिशन करवाना है मुझे। इतने पैसे नहीं है हमारे पास लड़कियों की तालीम पर उड़ाने के लिए। आपसे पैसे किसने मांगे? मेरी जॉब लगने वाली, मैं कर लूंगी सब। हाँ हाँ, तेरे पास पैसे ना हो तो तेरा तो गुजारा चल ही जाएगा ना। सुना है जहांगीर साहब ने तेरे से एक रुपया भी नहीं लिया, अब वो वसूली कैसे करेंगे? भैया कौन जानता है,
क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या समझती हैं आप मुझे? अच्छा अच्छा, इस तरह से ऊंची आवाज में मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो सुना मैंने कह दिया, वरना तेरा उस अमीरजादे के साथ आखिर क्या रिश्ता है कि तेरी सूरत देखते ही उसने सारे पैसे माफ कर दिए? मेरा उसके साथ जो भी रिश्ता हो, मैं आपको सफाइयां देने की पाबंद नहीं हूँ। चल तू आज सारी कहानियां बता दे कि किस तरह कॉलेज में अमीर लड़कों के साथ छुलछुले उड़ाती फिरती थी। हमें क्या फर्क पड़ेगा, और वैसे भी तेरा भांडा तो अब टूटने वाला है, तेरी असलियत अब सबको पता चल जाएगी। इन सब बातों के बावजूद भी मैं आपसे यही कहूंगी कि शहजादी के ख्वाबों को मैं जरूर पूरा करूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। सुबह भी आपने दवाई नहीं खाई थी? नहीं खानी मुझे दवा, जाओ कह दो अपने बाप से जाके, बस मरना है मुझे। अम्मा इस तरह ना बोले। तुम्हें क्या फिक्र है मेरी? तुम्हारे लिए तो आ रही है ना वो, तुम्हारा बाप दूसरी बीवी लेकर आ रहा है, तुम्हें नई माँ मिल जाएगी। पता है मुझे सब, वो जेबा आई थी अपनी माँ के साथ, क्या मंसूबे बने सब जानती हूँ मैं। अम्मा मेरी क्या गलती है इसमें, मेरा क्या कसूर है? जाओ जाके रोको अपने बाप को, उसको कहो कि मेरे मरने के बाद इस घर में बीवियों की लाइन लगा दे। अम्मा मैं उन्हें कैसे रोक सकती हूँ? तुम्हारा भस्के सिर्फ मुझ पर ही चलता है, अपने बाप पर नहीं। अम्मा 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 लगाई हुई, जाओ यहाँ से, ले जाए दवाई नहीं खानी मुझे, जाओ। तो फैज साहब मैं कहती हूँ आज फैसला हो ही जाना चाहिए, इससे बढ़ के मुझमें हिम्मत है ही नहीं सहने की। अब क्या मौत पड़ गई तुझे? अभी तो घर में घुसा हूँ और तेरी ये बकबक शुरू हो गई, कभी तो आराम से रहने दिया कर मुझे। हाँ हाँ सारा कसूर मेरा ही है, मैं ही चैन से नहीं बैठने देती आपको, और वो छोटा सा छोकरा मुझे कह के गया कि कराची चला जाएगा, अपने बाप को बताएगा कि पता नहीं कितने जुल्म के पहाड़ हम उस पे तोड़ते हैं। अबे तो बोलना था ना उसे कि मैं जो पैसे भेजता हूँ वो। आप कराची पैसे भेजते हैं? हाँ तो फ्री में थोड़ी काम करा रहा हूँ उससे, एहसान मारे मेरा एहसान कि जानू को काम पे रख लिया, वरना भूखे मरते साले भूखे। फिर क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ? ताने तो हम ही को सुनने पड़ रहे हैं ना। बस मैंने कह दिया अब जानू इस घर में नहीं रहेगा। ज्यादा बकबक नहीं कर, तूने मुझे बता दिया ना, अब मैं खुद बात कर लूंगा उनसे। बात नहीं होगी तो फैल साहब काम होगा, मैं कह रही हूँ ना, या जानू इस घर में रहेगा या मैं। हाँ सलीम, तुफैल बोल रहा हूँ। हाँ यार, अच्छा यार एक काम कर, वो मैंने तुझे एक शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखवाया था ना जुल्फी का, हाँ उस पर 8,000 रुपये भेज दे, और भेज के मुझे बता, फिर मैं तुझे आके देता हूँ। चल ठीक है। चाचू मैंने फैसला कर लिया है। किस चीज का? कि मैं आपके साथ कराची जा रहा हूँ।